एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो हमारी दोस्तों बेस्ड होने वाली है इंडेक्स नंबर चैप्टर के ऊपर। चैप्टर बहुत ही शानदार है, जानदार है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकता है। तो पूरी वीडियो देखिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड कवर कराने वाला हूँ। मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जो कि इंडेक्स नंबर निकालने के हमारे स्टार्टिंग के दो मेथड हैं। डिटेल में बात करेंगे इसकी, क्वेश्चंस भी आपको दूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इन क्वेश्चन के आंसर भी मुझे बताएंगे। मजा आएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज के सफर को। आप हैं मेरे साथ आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। इंडेक्स नंबर को हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा मैग्नीट्यूड है, एक ऐसा मेजर है जो कि कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन कुछ कहती है इंडेक्स नंबर की। डेफिनेशन क्या कहती है जरा एक बार डेफिनेशन तो पढ़े, बुक में डेफिनेशन क्या दे रखी है। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफिकल एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। सीधी सी बात है, एक ऐसा मैग्नीट्यूड है, एक ऐसा मेजर है जो किसी वेरिएबल में, वेरिएबल का मतलब है कोई भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, वो इनकम का हो सकता है, वो टाइम का हो सकता है, वो वेट का हो सकता है, वो हाइट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक डेटा हो सकता है। उस डेटा में टाइम के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में एक वेरिएबल में कितना चेंज आया, उस चेंज को हम लोग इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एक इंसान का वेट है, 2020 में उसका वेट था 56 kg, 2023 में उसका वेट हो गया 61 kg। तो ये जो वेरिएबल में चेंज आ रहा है 56 से 61, जो भी चेंज आया है उस चेंज को अगर मैं मेजर करूं और न्यूमेरिकली मेजर करूं तो उसको कहा जाएगा दोस्तों इंडेक्स नंबर। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, इंडेक्स नंबर की मैं जब भी बात करता हूं तो हमेशा 2 साल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये 2 साल क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। 2 साल, पहला साल होता है हमारा बेस ईयर। बेस ईयर हमारा वो ईयर है जिससे मैं डेटा को कंपेयर करता हूं। और दूसरा होता है हमारा करेंट ईयर। करेंट ईयर हमारा वो ईयर है जिसको मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। बेस ईयर का सिंबल होता है P0 और करंट ईयर का सिंबल होता है P1। तो P1 मींस करंट ईयर एंड P0 मींस बेस ईयर। तो वो प्राइसेस जो बेस ईयर से बिलोंग करते हैं उसको P0 सिंबल का नाम दिया जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। और वो प्राइसेस जो करंट ईयर से, आज के इस समय से बिलोंग करते हैं उसको दोस्तों P1 कहा जाएगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर कुछ और नहीं है, इंडेक्स नंबर मेरे भाई मेरे बहन सिर्फ और सिर्फ इन 2 सालों के बीच का रिलेशन है। इसलिए इंडेक्स नंबर का सिंबल होता है P01, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स नंबर का सिंबल है P01। P01 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ करेंट ईयर, इनका कंपैरिजन कर रहा हूं और कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड कितना चेंज आ रहा है उसको निकाल रहा हूं, इसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं यार। बहुत सिंपल है, ध्यान रख के चलेंगे हमेशा, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर निकालने के दोस्तों हमारा जो सबसे पहला मेथड है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग मेथड है। मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लिख देते हैं फटाफट यहां पर। सबसे पहला मेथड हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल है, एग्रीगेटिव है और मेथड है। एग्रीगेटिव का मतलब होता है समअप करना, एड ऑन कर लेना, सब कुछ उठाओ इकट्ठा कर लो, इसी को हम लोग कह के चलते हैं एग्रीगेशन या एग्रीगेटिव। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, एग्रीगेटिव का मतलब है समअप करना, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे पहला मेथड है इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अर्थात जितना करंट ईयर का डेटा है सब प्लस कर लो, जितना बेस ईयर का डेटा है सब प्लस कर लो, इनटू 100 कर दो। वाओ कितना सिंपल है,
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करते हैं, और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके दोस्तों मैं आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बेस ईयर मान के चलते हैं, आपको डेटा गिवन है 2006 का, ठीक है, और आपको डेटा गिवन है 2023 का, ठीक है। चार सामान है, सामान है ए बी सी और डी, ठीक है। इनके प्राइसेस आपको मेंशन करेंगे क्वेश्चन में, प्राइसेस है 2, 6, 8 एंड 4, ठीक है। ये प्राइसेस है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइसेस गिवन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2006 में ए का प्राइस 2 था, बी का प्राइस 6 था, सी का प्राइस 8 था और डी का प्राइस था 4, ठीक है। ये सारे प्राइसेस हैं जो कि टू ईयर 2006 में आपको ही बना है, ठीक है। 2023 आते आते ए का प्राइस हो गया 5 रुपी, ठीक है, बी का प्राइस हो गया 12 रुपीज़, सी का प्राइस हो गया 15 रुपीज़ और डी का प्राइस, जी हाँ, जो 4 रुपी था वो हो चुका है 9 रुपीज़। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है यार, क्या करें क्या करें क्या करें, काफ़ी महंगा हो गया सामान। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, महंगाई है, प्रेजेंट रहेगी रहेगी, हमेशा आती रहती है, ठीक है। चलिए सबसे पहला मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको क्या करना है, सबसे पहले पी जीरो का टोटल करना है। टोटल करते हैं फटाफट, 2 प्लस 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, कितना आ गया टोटल 20, वेरी सिंपल। पी वन का टोटल करते हैं 5 एंड 12 17, 17 एंड 15, 17 15 32, 32 एंड 9 40 का। तो दोस्तों टोटल आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, पी वन का टोटल आ चुका है, पी जीरो का टोटल आ चुका है, फॉर्मूला तैयार है, रख दो और आंसर निकाल लो फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए रखते हैं, पी वन का टोटल आया था हमारा 41, पी जीरो का टोटल 20 इंटू 100। सॉल्व करना है दोस्तों, आपके सामने पी वन का टोटल लिख दिया है, पी जीरो का टोटल लिख दिया है, सॉल्व करना है इसको, कोशिश करते हैं। जीरो से जीरो कट हो गई, ओके, 41 इंटू 5 हो गया दोस्तों हमारा 205। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर का आंसर है दोस्तों वो रहने वाला आपका 205। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो 2006 और 2023 का रिलेशन बैठ रहा है दोस्तों, वो बैठ रहा है 205। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब इसी मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपका जो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके दिखाना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इसके बाद मैं दूसरा मेथड जिसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, उसकी वीडियो लेकर आऊंगा। आपका क्वेश्चन है ये दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपका सही आंसर आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट अमेजिंग मेथड इंडेक्स नंबर की, मेथड का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। फॉर्मूला इसका है P01, मतलब इंडेक्स नंबर का सिंबल है, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट P1 अपॉन P0 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एन। इसमें और इससे पहले वाले में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, पिछले मेथड में मैंने टोटल पहले करा, ठीक है, दोनों का टोटल करा, इनटू 100 करा, आंसर आ गया। इसमें सबसे पहले मैं इंडिविजुअली सबके लिए P1 अपॉन P0 इनटू 100 करूंगा, उसके बाद जो आएगा उसका टोटल करूंगा और उसके बाद उसको एन से डिवाइड करूंगा। थोड़ा सा काम हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा काम बढ़ गया, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका सही आंसर क्या आने वाला है। दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने प्राइस 2006 का 2 6 8 4, 2023 का 5 12 15 19। आपको इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है और जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं क्या इसका सही आंसर आने वाला है। शुरू करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हमारा। फॉर्मूला है, मुझे निकालना है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, बाद में इसका टोटल करूंगा। तो देखिए ये सारा P1 है आपके सामने, ये सारा P0 है, हर नंबर का इंडिविजुअली मुझे P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालना है, इंडिविजुअली निकालना है। निकालता हूं सबसे पहले 5 अपॉन 2 इंटू 100, ये होता है दोस्तों आपका 250। दूसरा 12 अपॉन 6 इंटू 100 करूंगा, ये होता है दोस्तों हमारा 200। तीसरा 15 अपॉन 8 इंटू 100,
अपॉन 8 इंटू 100 ये होता है दोस्तों 187.5। ठीक है, फोर्थ करते हैं लास्ट वाला, 9 अपॉन 4 इंटू 100 ये होता है दोस्तों हमारा 225। ठीक है, आपके सामने P1 अपॉन P0 इंटू 100 सबका आ चुका है बिना किसी दिक्कत के। अब सबसे पहले इसको करते हैं प्लस और उसके बाद क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। इसका टोटल करते हैं, टोटल कितना बैठेगा इसका, जल्दी जल्दी करते हैं टोटल इसका दोस्तों 862.5 दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, टोटल आ चुका है मेरे सामने, P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल आ चुका है। अब फाइनली आंसर निकालने का समय आ गया है, फॉर्मूला आप तैयार है बिल्कुल, जल्दी से आंसर निकालते हैं। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको बताया जो आपका इसका टोटल आया है, फॉर्मूला आपको लिख देता हूं एक बार दोबारा से, P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N। टोटल जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल आया दोस्तों वो आया है 862.5 अपॉन N। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4 चार चीजों का डेटा है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 862.5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है 215.625। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर का आंसर है दोस्तों वो है 215.625। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू 215.625। चाहे तो आप दो डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं, चाहे तीन डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था दोस्तों एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस जिसमें आपने इंडेक्स नंबर के दो मेथड सीखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छे से करना है इन दोनों मेथड्स को। ठीक है, एक मेथड आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा मेथड आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, अच्छे से करिए। इस मेथड के लिए जो क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों वो आपके सामने आ रहा है, ये जल्दी से करिए और सही आंसर बताइए क्या होने वाला है दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।